मैं पुश करता हूँ तो ना तो मुझे यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है, मैं प्रॉपर इसको पुश कर रहा हूँ, मैं ब्रेक के ऊपर मेरा पाँव लगा हुआ है, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही भाई, ये क्या हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास रिवो गाड़ी है और एक दोस्त कज़न या कोई भी रिश्तेदार मुझसे आके गाड़ी मांगता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए कि मुझे जाना है, तो उस सूरत में मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपनी गाड़ी किसी को दे दूँ और वो चलाए, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो उस रीज़न में मैं अपनी गाड़ी किसी को देना जो है वो अच्छा नहीं समझता। और रही बात लोगों को गाड़ी देने की, तो आपकी गाड़ी में जो लोग भी बैठते हैं वो आपके अगर कोई बाई के अलावा जो भी हो या बाप के अलावा जो भी हो, वो आपकी गाड़ी के ऊपर दिल नहीं दुखाता, उस रीज़न में वो गाड़ी को बिल्कुल सही तरीके से भगाता है, जो कि उनके पैसे उसके ऊपर खर्च नहीं होते। एक ट्रिक बताऊंगा, ना आपके डैशबोर्ड में कोई एरर आएगा, ना कोई कंप्यूटर जो इसके साथ टच करेगा ना उसको पता चलेगा, किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। मैं उसको की चेन भी दूंगा, ठीक है, गाड़ी लॉक अनलॉक भी होगी लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आप उसको बता सकते हैं कि पता नहीं कोई टेक्निकल मसला आ चुका है, तो आप उनको बता सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई इसमें कोई और मसला है, मुझे नहीं पता, आपकी गाड़ी अनलॉक होगी। लेकिन जब आप अपना ये इंटर पोस्ट स्टार्ट बटन प्रेस करोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। एक ट्रिक बताता हूँ, और वो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें जो अपनी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। RPM आपको नज़र आ रहा होगा, अप और डाउन हो चुका है, हो रहा होता है, ठीक है। गाड़ी थोड़ी सी मैं बाहर निकालता हूँ ताकि मैं आपको पूरा प्रॉपर आपको मैं समझा सकूँ। तो कोई भी आपके पास अगर गाड़ी हो और वो पुश स्टार्ट हो तो आप इसके साथ ये ट्रिक कर सकते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी एक हाथ पे चलाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी गाड़ी जो है कैसे आप अपने घर में उसकी केयरनेस कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि इसका अंदर जो जी गंद मौजूद है इसको ओपन कैसे करते हैं, साफ़ कैसे करते हैं। उसके अलावा मैंने इस AC विंड के बारे में भी आपको समझाने की पूरी वीडियोज़ बनाई है, इसी चैनल पर मौजूद है, और जो कि इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो काइंडली आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि ये वाला एरिया हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो उस रीज़न में अब इस वाले पुश स्टार्ट के साथ हमारा पूरा काम है, ठीक है। अब आपने आपको ये वाला ब्रेकेट अमूमन रिवो की हर एक गाड़ी में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये अगर आप इसमें सिंपल यहाँ करोगे इस तरह तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, लेकिन इसको दोबारा मैं फिट कर लेता हूँ, लेकिन आपके पास ये चीज़ नहीं होगी, आपके पास ये चीज़ भी तो होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है, ये देखिए, इस पर भी मैं आपको इसको ओपन करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है भाई। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो ये तो आपके पास लाजमी आपके घर में मौजूद होगा। सिंपली आपने यहाँ पर इसको इस तरह कर लेना है और ये हमारे पास ये वाला एरिया ओपन हो चुका है। अब इसका एक छोटा सा बैक साइड पे ऊपर स्विच लगा हुआ है, अब इसको हम रिमूव करेंगे। तो अब इसको जब हम रिमूव करेंगे, हमारी गाड़ी ना तो स्टार्ट होगी, ना हमें हमारी गाड़ी में कोई डैशबोर्ड के बे पे ऊपर कोई मुझे साइन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको अंदर वाले साइड पे भी बता देता हूँ इसका जो स्विच है उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ, ठीक है, कि ये हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो, इसमें कोई भी स्किप नहीं हो रही, कोई भी कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ बताता हूँ। ये मैंने गाड़ी बंद कर ली, ठीक है। अब इसके बैक साइड के ऊपर जो ये स्विच होगा, ये इसके बैक साइड को मैं पिक्चर भी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लूँगा। तो इसका एक स्विच है जो कि वो मैंने रिमूव कर लिया, ये, ठीक है। अब मैं इस गाड़ी को, ये मेरे पास की चेन मौजूद है, मैं पुश करता हूँ तो ना तो मुझे यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है, मैं प्रॉपर इसको पुश कर रहा हूँ, मैं ब्रेक के ऊपर मेरा पाँव लगा हुआ है, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही भाई, ये क्या हो गया है, ठीक है। तो आप इस रीज़न में अपनी गाड़ी को दोबारा फिट कर लें। सो गाइज, अभी मैं लाइव आपको ये बता देता हूँ कि आपने इसमें कौन सा जो ये स्विच है, ये वाला जो आपको ये स्विच नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखें,
ये वाला स्विच जो है मैंने इसको रिमूव कर लिया और उसमें ये बटन है, ठीक है। अगर आप ये वाला बटन प्रेस करते हो इस तरह, ये वाला, तो हमारा स्विच हमें यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा हूँ। मैं आपको अंदर की साइड से भी बता देता हूँ, ये स्विच हमारे इस वाले पैनल के ऊपर, ये इधर ये स्विच लगा होता है, हमने सिंपली इसको रिमूव करना है तो हमारी गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होगी। अब ये देखिए, मैं आपके सामने ये वाला स्विच दोबारा लगा लेता हूँ, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये स्विच है, ठीक है। इसको मैं अंदर की तरफ पुश करता हूँ तो ये टक सी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो हमारी गाड़ी जब हम ब्रेक के ऊपर अपना पाँव रखेंगे और ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारा गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक सिंपल ट्रिक था और बहुत ज़्यादा इजीली भी है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप एक दो बार करोगे तो आप सीख भी जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।